भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर बरकरार है। हालांकि इस घातक महामारी का असर पहले के मुताबिक कम देखने को भी मिल रहा है। इस बीच देखा जाए तो लॉकडाउन में जैसे जैसे छूट मिलती जा रही है, वैसे वैसे ही सड़कों पर चहल पहल भी नजर आने लगी है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। जी हां, आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज भी सड़कों पर कहीं ना कहीं स्पॉट किए जा रहे हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर को स्पॉट किया गया है। दरअसल रणधीर कपूर पहुंचे हैं अपनी छोटी बेटी बेबो करीना कपूर खान से मिलने उनके घर। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे रणधीर कपूर की लेटेस्ट तस्वीरें। रणधीर कपूर अक्सर अपनी बेटियों से मिलने उनके घर आते जाते रहते हैं। वहीं एक बार फिर से रणधीर अपनी बेटी से मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान रणधीर की हालत काफ़ी दर्द भरी नजर आई है। वेल दोस्तों, इस दौरान रणधीर नजर आए हैं हाथ में छड़ी लिए हुए और दो केयरटेकर उनके साथ में नजर आ रहे हैं। रणधीर कपूर को वह पकड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं और करीना के घर अंदर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपार्टमेंट के बाहर रणधीर को स्पॉट किया गया है। रणधीर कपूर 74 साल के हो चुके हैं। 74 वर्षीय रणधीर कपूर भी काफ़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। बीते कुछ समय पहले ही रणधीर कपूर ने कोरोना वायरस महामारी से जंग जीती है। आनन फानन में उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां पर उनका इलाज चला था। लेकिन अब रणधीर पूरी तरह से ठीक हैं और अपनी बेटी से मिलने पहुंचे हैं। जानकारी के लिए आप सभी को ये भी बता दें कि रणधीर कपूर तंत्रिका संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है और इसी वजह से रणधीर कपूर के साथ हमेशा ही मौजूद रहती हैं नर्स। जी हां, 24 घंटे नर्स उनका ख्याल रखती हैं और इस तरह से रणधीर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए नजर आते हैं। इस दौरान आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में रणधीर कपूर की दर्द भरी हालत। केयरटेकर के सहारे वह चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।